प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देश नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जो भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंधों को और गति देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में G20 समिट में भी भाग लेंगे और गुयाना में करेबियाई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचेंगे। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की यह यात्रा होने वाली है। भारत और नाइजीरिया के काफी करीबी व्यापारिक संबंध रहे हैं। नाइजीरिया में 200 से अधिक भारतीय कंपनियों का अरबों डॉलर से ज्यादा का निवेश है। जहां एक ओर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहीं नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पीएम मोदी ने लिखा कि ये नाइजीरिया की मेरी पहली यात्रा होगी। पश्चिम अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया हमारा करीबी साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित हमारी रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी। भारतीय समुदाय और नाइजीरिया के मित्रों से मिलने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिन्होंने 19वीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को पीपुल्स G20 में बदला है। पीएम ने इसके बाद दरअसल ब्राजील यात्रा का जिक्र किया, जिसमें यह प्रधानमंत्री का प्रस्थान वक्तव्य है। वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को अपने की बात कही पीएम ने। ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। पीएम ने लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा होगी। तीसरी यात्रा की बात प्रधानमंत्री की है। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे। गुयाना में भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले ये वक्तव्य दिया और तीनों देशों की यात्रा को से आशान्वित दिखाई दिया। प्रधानमंत्री उन्होंने लिखा कि इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर का भी उपयोग करूंगा। पीएम ने लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली गुयाना की यात्रा होगी। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जो साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। मैं 185 साल से भी अधिक समय से पहले